अब BA, BCom, BSc और MA, MCom करें विश्व की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी इग्नू से। सॉल्ड असाइनमेंट और गाइड बुक्स प्राप्त करें। संपर्क करें महाकाल कंप्यूटर्स, DAV कॉलेज गेट के सामने, सिवान। नमस्कार, मैं फहीम खान और आप देख रहे हैं न्यूज़ इंडिया तक। पंचायती चुनाव की सरगर्मियां जिस तरह से बढ़ रही है, अलग अलग प्रखंड से हम खबरें भी दिखा रहे हैं। कई सारे पंचायत का परिणाम भी आ चुका है, लेकिन अब सिवान के लकड़ी नबीगंज प्रखंड में चुनाव होने को है। 29 तारीख को यानी 29 नवंबर को चुनाव होंगे और एक महीना पहले यानी 29 तारीख से एक महीना पहले यहाँ नॉमिनेशन कराया गया था। नॉमिनेशन की प्रक्रिया पूरी कर ली गई थी और उसके बाद लोगों को सिंबल भी मिल चुका है। सिंबल लेकर के लोग जो प्रत्याशी हैं वो लगातार जनसंपर्क कर रहे हैं, लोगों के बीच में जा रहे हैं और अपने हक में वोट देने की बात कर रहे हैं। पहुँचे हुए हैं लकड़ी नबीगंज प्रखंड के अंतर्गत आने वाले लखनौरा पंचायत में, जहां मुखिया प्रत्याशी के पति हमारे साथ हैं। ऑटो छाप यानी टेम्पू छाप जो है वो चुनाव चिन्ह मिला हुआ है, राजकुमार मांझी जी हैं। इनसे बातचीत करते हैं किन मुद्दों के साथ लोगों के बीच जा रहे हैं, क्या कुछ मुद्दा है, विगत 5 सालों में क्या कुछ विकास हुआ है, किस नज़रिए से देखते हैं, इन तमाम मुद्दों पर बातचीत कर लेते हैं। राजकुमार मांझी जी, सबसे पहले बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले मेरे चैनल को अपने पूरे पंचायत की तरफ से आपको हार्दिक शुभकामना और प्रणाम सलाम है, और साथ में इस पंचायत के सभी जनता, सम्मानित जनता को मैं अपनी तरफ से एवं पूरे परिवार की तरफ से हार्दिक अभिनंदन और स्वागत और प्रणाम है। राजकुमार जी, सबसे पहला सवाल कि लगातार जनसंपर्क कर रहे हैं, लोगों का प्यार मोहब्बत किस तरह से मिल रहा है? हमको तो बहुत प्रेम सन्देह मिल रहा है और हर व्यक्ति हमको प्रेम सन्देह देता है। हर आदमी के साथ हम जा रहे हैं और अपना बात कर रहे हैं। हमको उम्मीद है कि इस बार जनता हमको पूर्ण बहुमत देकर चुनाव जिताएगी। किन मुद्दों के साथ लोगों के बीच पहुंच रहे हैं आप, क्या कुछ मुद्दा है? मुद्दा तो बहुत चल रखा है, अभी हम घूम रहे हैं हर पंचायत में, हर वार्ड में। तो जिसको मिलना चाहिए सुख सुविधा सरकार के द्वारा, वो उन लोगों को नहीं मिला है। जिसका झोपड़ी है वो झोपड़ी लौक रहा है, और साथ में बहुत लोग जो वृद्धावस्था पेंशन होना चाहिए वो नहीं मिल रहा है। बहुत लोग मिल रहा था उसको वंचित हो गया है। राजकुमार जी, आप किन मुद्दों के साथ लोगों के बीच पहुंच रहे हैं? बहुत सारे मुद्दा है, मुद्दा तो चुनाव जीतने बाद हम सबको दिखा देंगे, काम कर दिखाएंगे। हर व्यक्ति का और समुदाय काम करेंगे, हर समाज को उठा कर काम करेंगे। जो भी सरकार का योजना आएगा, हर पंचायत, हर टोला से, हर वार्ड से लोग बुलाकर पंचायत भवन उठा कर और चीज़ को दिखा देंगे। सरकार का यह काम है इस मुद्दा को किस तरह काम किया जाए ताकि आने वाले दिन में हमको कोई तरह का आँच ना पहुँचाए। 29 नवंबर को मतदान होने को है, अपने मतदाताओं से क्या कुछ अपील करेंगे आप? हमको सिर्फ यही कहते हैं, हमको इस समय आप लोग अपना बहुमत में वोट देकर हमको चुनाव जिताइए, और चुनाव जीत कर हम आएंगे तो हर समुदाय का काम करेंगे, हर समुदाय का काम करेंगे, उसको लेकर हम चलेंगे, सब लोग से प्रेम देंगे। चलिए, तो बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे साथ राजकुमार मांझी जी थे और खबर हम आपको लखनौरा पंचायत जो कि लकड़ी नबीगंज प्रखंड के अंतर्गत आता है, 28 अक्टूबर को नॉमिनेशन इन्होंने किया था और सिंबल मिल चुका है। लगातार चुनाव छाप जो मिला है उसको लेकर के लोगों से अपील अपने हक में वोट देने के लिए कर रहे हैं। इनकी पत्नी जो है यहाँ की मुखिया प्रत्याशी हैं और आपको बताएं कि लगातार जनसंपर्क कर रहे हैं। 29 नवंबर को चुनाव होने को है यानी मतदान होने को है। अब देखना दिलचस्प ये होगा कि ये भीड़ जो लेकर के लोगों के साथ चल रहे हैं या लोगों का प्यार स्नेह जो मिल रहा है, ये वोट में तब्दील होता है या नहीं, ये तो आने वाला वक्त बताएगा। खैर, अभी के लिए इतना ही, और भी पंचायत से भ्रमण करेंगे और लोगों से बातचीत करने की कोशिश करेंगे और दिखाने की भी कोशिश रहेगी हमारी कि क्या कुछ विकास हुआ है लखनौरा पंचायत में विगत 5 सालों में। तो अभी के लिए इतना ही, बने रहिए न्यूज़ इंडिया तक के साथ।